व्यापार मंडल लालगंज के व्यापारी एवं पदाधिकारियों ने तहसील दिवस में मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि लालगंज नगर सहित क्षेत्र के चारों ओर की सड़क वर्तमान में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सड़कों में प्राणघातक गड्ढे हो गए हैं। खासतौर से करुणा बाजार चौराहा, नगर पंचायत तिराहा, गांधी चौराहा, बाईपास, जलमऊ तिराहा, सिमर पहाड़, कानपुर रोड, सातनपुर के पास आदि कई जगहों की रोडें पूरी तरह से ध्वस्त होकर 3 से 4 फुट गड्ढे का रूप ले चुकी हैं। नगर अध्यक्ष विवेक शर्मा ने बताया कि बीच में उप जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया था, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे व्यापारियों को दुकानों में धूल उड़कर जाती है। सड़क भी खराब होने से और धूल से व्यापार दमा खांसी व सांस के रोगी बन रहे हैं और पूर्व में गड्ढों के कारण कई व्यापारियों की जाने जा चुकी हैं। कई व्यापारी विकलांग हो चुके हैं। पदाधिकारियों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि आगामी 12 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान पर्व है, जिसमें डलमऊ, गिगास और रालपुर जाने वाले श्रद्धालु लालगंज से होकर जाते हैं। ऐसी दशा में हम व्यापार मंडल के पदाधिकारी आपस सहर्ष अनुरोध करते हैं कि जनहित में जल्द से जल्द खराब सड़कों गड्ढों को भरवा कर डामरीकरण करवाने की कृपा करें। अगर सड़कें ठीक नहीं कराई गई तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अन्याय की स्थिति में हम व्यापारी चयन महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या है समस्या? वास्तव में लालगंज क्षेत्र में नगर सहित जो चारों तरफ की सड़कें गई हैं वो पूरी तरह से तालाब का रूप ले चुकी हैं। कई बार व्यापार मंडल के द्वारा सरकारी अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रोकती है। उन्हीं खराब सड़कों के कारण आज व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी संयुक्त रूप से लालगंज तहसील सभागार में पहुँचे। वहाँ उन्होंने CDO को ज्ञापन दे करके ये अवगत कराया है कि अगर सड़कें नहीं ठीक कराई गई समय रहते तो मंगलवार को सभी व्यापारी जो है वो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर असहयोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इन खराब सड़कों से व्यापारी जो है रोगी हो रहे हैं, श्वास के बीमार बन रहे हैं, जगह जगह पर रोज जाम लगने की वजह से विवाद पैदा होता है, ट्रक जो है ध्वस्त हो जाते हैं खराब सड़कों में। लगातार खुद ही प्रयास से नहीं जल्दी जल्दी अभी कल भी जो है एक ट्रक लगा है और 3 लोग कल भी घायल हुए। चले ठीक, हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों भी सहयोग करिए। हम लोग करेंगे, बिल्कुल वो हम लोग करेंगे, बैठ के हम लोग निस्तारण कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, डीएम साहब को आ जाने की हम लोग कोई बात नहीं, हम भी रहेंगे। व्यापारियों की रहनुमाई करते हैं, व्यापारी हमारी आपत्ति नहीं नहीं व्यापारी कहाँ जाएंगे बेचारे, हम मेंटेन करने वाले व्यापारियों से। टहल अक्सर ट्रक के डक जाते हैं, आदमी चोट खा जाते हैं, गाड़ी जाम लग जाती है, 3-3, 4-4 घंटे का मतलब नहीं, वो तो है। आप लोग जल्दी निस्तारित हो जाए वो मामला, बल्कि हम लोग अपने तरफ से करने वाले थे कि ईंट कहीं भट्टों से मंगा के उसको डलवाया जाए किसी तरह से। नहीं नहीं, PWD के अधिकारी आएंगे आज, आज तो अधिकारी आएंगे सर। अगर हम 6 महीने के अंदर नहीं हो सकता, अगर हम लोगों के अंदर होता नहीं तो तुरंत कर देते। आपका हम माध्यम साहब, SDM साहब के अंदर तहसील के हमारे मालिक हैं SDM साहब। अगर SDM साहब चाहते हैं तो एक साल हो गए, एक साल के गड्ढे नहीं भर सकते, तो आप तो PWD के आए, मतलब उसके पास आ जाए अगर जिससे हल हो जाए। बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए, आज हम DM साहब से लेके ही उससे आए थे, लेकिन हम मिलेंगे तो आगे हम आ रहे हैं। साहब को ज्ञापन।